वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया नई ट्रेन को करेंगे रवाना, दौरे के तीसरे दिन शोक व्यक्त करने जाएंगे सिंधिया, तो वहीं आज शाम सिंधिया वापस जाएंगे दिल्ली। तो केंद्रीय मंत्री सिंधिया आज नई ट्रेन को करेंगे रवाना, दौरे के तीसरे दिन शोक व्यक्त करने जाएंगे सिंधिया, आज शाम सिंधिया वापस जाएंगे दिल्ली। अपने तीन दिवसीय दौरे पर सिंधिया ग्वालियर पहुंचे थे, जहां पर उनका एक भव्य रोड शो हुआ। रोड शो के बाद कई कार्यकर्ताओं से मिले, उन्हें विकास कार्यों की सौगात भी दी। साथ ही यहां पर अब केंद्रीय मंत्री का जो है तीसरे दिन आज वे दिल्ली रवाना होंगे, लेकिन इसके पहले आज वे नई ट्रेन को जो है रवाना करेंगे। इसके अलावा दौरे के तीसरे दिन जो है शोक व्यक्त करने वो जिनका गमी हुई है उनके घर जाएंगे। साथ ही आज शाम सिंधिया की जो है दिल्ली वापसी है, तो आज वे शाम को दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज राय को पन्ना में रहेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जो सिंधिया आज दिल्ली वापस जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आज एक नई ट्रेन को करेंगे रवाना, तो वहीं दौरे के तीसरे दिन शोक व्यक्त करने सिंधिया जाएंगे। साथ ही आज शाम सिंधिया वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर केशव पांडे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर केशव पांडे, आप जानना चाहेंगे यहाँ पर कि तीन दिवसीय दौरा सिंधिया का काफी जोरदार रहा इस बार, और आज तीसरा दिन है, आज क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? तीसरा दिन का आज का जो कार्यक्रम है उसमें प्रमुख कार्यक्रम जो एक नई रेल जो हैदराबाद निजामुद्दीन और बालाजी जो जाती है उसको राजधानी एक्सप्रेस है, इसका ग्वालियर में एक स्टॉपेज दिया जा रहा है। इसकी मांग बहुत दिन से चल रही थी। ये आज 9 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री इसको हरी झंडी दिखाएंगे। इसकी ग्वालियर के लोगों को बड़ी खुशी है। इसके अलावा वो आज शहर में कुछ लोगों के यहाँ कर्टसी कॉल की मुलाकात में जाएंगे प्रमुख लोगों के यहाँ, और कुछ लोगों के यहाँ कॉन्डोलेंसेस मीटिंग में भी जाएंगे। इसके अलावा वो आज के कार्यक्रम का समापन होगा और 2:30 बजे वो बाई रोड ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। गत दिवस एक अच्छी खबर उन्होंने जो दी वो ये थी कि शहर को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला नया एयरपोर्ट। इस नए एयरपोर्ट में होंगे 19 अप्रैल टैक्सी वे पर उतर सकेंगे बोइंग 777 विमान। अगले 2 दिन में पूरे देश में लागू हो जाएगी नई ड्रोन पॉलिसी, ये उन्होंने प्रेस से बातचीत में बताया। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने देश को 67 एयरपोर्ट दिए हैं, जबकि 70 साल में कांग्रेस ने मात्र 77 एयरपोर्ट ही दे पाई थी। भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर मोरना में 1000 एकड़ जमीन की तलाश भी की जा रही है। एयरपोर्ट पर कार्गो सुविधा भी विकसित होगी जिसकी क्षमता 20,000 मेट्रिक टन होगी। जेसी मिल के 711 श्रमिकों को शीघ्र जमीन के पट्टे मिल जाएंगे। 15 दिन के बाद 10वीं क्लास के बच्चों को DGCA से लाइसेंस मिल सकता है। 2050 तक के लिए पानी की व्यवस्था के लिए उन्होंने जो प्लान बताया, और उसमें चंबल से पानी लाने की बात है, पाइपलाइन डलने की बात है। ये ग्वालियर के पानी की समस्या को समाप्त करने के लिए बात की गई है। मुनि व्यास सागर से उन्होंने आशीर्वाद लिया। समावाणी पर्व पर वहाँ चंपा बाग अखाड़े में जो कार्यक्रम हुआ वहाँ पहुंचे। इसके अलावा शहर में तमाम सारे बुद्धिजीवी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और विभिन्न समाजों के लोग, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज और अन्य OBC के समाज और SC ST और आर्म रेसलिंग और उद्भव संस्था, बहुत सारे लोगों से उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रति टेबल पर जाके लोगों से ग्वालियर चंबल के विकास के बारे में फीडबैक लिया, और फीडबैक लेने के बाद उन्होंने जो उनके दिमाग में जो बातें थी जो वो करना चाहते हैं वो उन्होंने बताई। और ये एक नया प्रयोग था जिसमें 100 से अधिक टेबल लगाई गई थी, हर टेबल पर वो जाके बैठे और उन सब लोगों से उन्होंने बातचीत की। उसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सभी तरह के नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के टेबल्स लगाई गई थी। कार से आसमान में उड़ने का सपना जल्दी पूरा होगा, ये उन्होंने
सिंधिया जी ने बताया कि वहाँ चेन्नई में एक मॉडल तैयार किया गया है, यह कार एक बार में 60 मिनट चल पाएगी और 3000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ेगी। कार का वजन 1100 केजी होगा और 1300 केजी वजन ये कार उठा पाएगी, ये उन्होंने अच्छी खबर दी है। आपदाओं ने डाली खलल, 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य में पिछड़ा ग्वालियर, वैक्सीनेशन की पहली डोज में तृतीया अव्वल और सुपरी फिसड्डी रहा है। ग्वालियर में की एलिवेटेड रोड, रेलवे स्टेशन सौंदर्यकरण, नैरोगेज से ब्रॉडगेज, नई ट्रेन मार्ग, हॉस्पिटल, जेसी मिल के श्रमिकों को पट्टे, पर्यटन की संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए 1000 बेड के अस्पताल की व्यवस्था की एक बड़ी लंबी मैराथन बैठक उन्होंने गत दिवस प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ 3 घंटे लगातार की, जिसमें 5000 करोड़ की 34 योजनाओं के प्रेजेंटेशन उन्होंने देखे। कार्यों को समयबद्ध टाइम में पूरा करने के उन्होंने निर्देश भी दिए हैं और ये सब 3 दिन का उनका बहुत एक जोरदार तूफानी दौरा ऐतिहासिक रहा है, ये ग्वालियर में बहुत चर्चा का विषय है। चलिए बहुत धन्यवाद डॉक्टर किशोर पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको यहाँ पर कि केंद्रीय मंत्री चित्रा सिंधिया का 3 दिवसीय दौरा ग्वालियर में रहा और ऐसे में आज तीसरा दिन है, आज भी कई सौगातें भी देंगे, साथ ही यहाँ पर आज शाम के वे दिल्ली रवाना होंगे। तो आज केंद्रीय मंत्री सिंधिया नई ट्रेन को रवाना करेंगे, दौरे के तीसरे दिन सिंधिया गमी हुई है, उनका शोक व्यक्त करने जाएंगे, साथ ही आज शाम को सिंधिया की दिल्ली वापसी है। तो केंद्रीय मंत्री सिंधिया आज नई ट्रेन को रवाना करेंगे।